और सीधे आपको लालगंज लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। संयोजक विनोद राय जी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भोर सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, भारी संख्या में उपस्थित लालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, इस पावन धरा को जिसने ऋषि मुनियों, स्वाधीनता सेनानियों और अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, अभी पहले आने प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लालगंज में निजामाबाद क्षेत्र में आजमगढ़ लालगंज से जुड़े सभी मतदाताओं को प्राप्त हुआ था। आज मुझे जगदीशपुर की पावन धरा पर लालगंज संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए स्वयं आना पड़ा है। बहनों भाइयों, देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, चार चरणों के चुनाव हो गए हैं, पांचवा चरण संपन्न होगा और छठे चरण में 25 मई को आपको भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके देश की संसद में भेजना है। लेकिन चार चरणों के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि रुझान बीजेपी के पक्ष में है और पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार जब आप 400 पार की बात करते हैं तो विपक्षी दलों में खलनाहट मच जाती है, फिर उनमें चारों खाने चित्त हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए। और मैंने भैया जनता जनार्दन की अदालत में षड्यंत्र तो विफल होते ही है, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इन लोगों का पूरा तंत्र जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त था, जिस प्रकार की अराजकता में लिप्त था, जिस प्रकार की अव्यवस्था करने में लिप्त था, जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने फैलाई थी, जिसे इन्होंने देश की सुरक्षा में सेंध लगाया था और आजमगढ़ जनपद वासियों के सामने जो पहचान का हिस्सा का खड़ा कर दिया था। मेरे भाइयों, आज के कहने में कोई संकोच नहीं कि देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। यह नया भारत विकास ही करा रहा है, विकास का सम्मान ही कर रहा है, देश के दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ा रहा है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता भी कर रहा है। आज आप दुनिया में कहीं जाएंगे लोग आपको सम्मान देंगे, लेकिन चौदह के पहले ये स्थिति नहीं थी। चौदह के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन भारतवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। 2014 के पहले देश के अंदर सुरक्षा की स्थिति अत्यंत खराब थी। 2014 के पहले आतंकी वारदातें होती थी, कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला, कभी काशी के संकट मोचन पर हमला, कभी अयोध्या वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला, कभी सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला। मेरे भाइयों, जब भी हम लोग संसद में इस मुद्दे को उठाते थे,
तो लालगंज लोकसभा क्षेत्र से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।